दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गाइस जैसा कि हम थंबनेल में देख लियो कि हम किसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, तो गाइस हम बात करने वाले हैं ओनली रेड हेडशॉट एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग इंटरफेस देख सकते हो, लोगो देख सकते हो इस एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कैसे इस एप्लीकेशन में यूज करना है और क्या क्या सारी चीजें को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या सारी चीजें इसमें दी गई है। तो गाइस सबसे पहले जहां पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के घंटी भी दबाओ ताकि नए नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको माइंड में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है कि इस एप्लीकेशन को या फिर कुछ भी समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं क्या करूंगा कि आपके लिए अलग से वहां पर रिप्लाई दे दूंगा या फिर अलग से वीडियो ही बना दूंगा। तो चलिए ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करना है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो कि जो हमारा स्क्रीन है ना यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है या फिर इसमें क्या क्या सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले तो हम ओनली रेड एप्लीकेशन को हेडशॉट करके यहाँ पे आ जाएगा। ओनली रेड GFX टूल है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे टिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये चल रहा है और यहाँ पे चार सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें GFX टूल का भी सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है, सेंसिटिविटी का। उसके बाद हमें DPI टूल्स का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे YDR सेटिंग्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग किसी भी बंदे का हेडशॉट करते हो, मतलब जो भी है फ्री फायर में या फिर कोई भी पबजी वगैरह गेमिंग में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, ना ही कि कोई हैकिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखो किसी एक सेटिंग्स पे क्लिक करो। मान के चलो कि हम GFX टूल पे क्लिक करते हैं। जैसे GFX टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है ना कि मतलब एक सेटिंग आ रहा है। ये सेटिंग आप लोग अपने फ़ोन में कर सकते हो, अपने गेम में कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो टूल है, मतलब GFX जो टूल है, वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब कि आप लोग रिजोल्यूशन जो है ना आपको 90-60 रखना है, उसके बाद FPS की बात करो तो 30 FPS, ग्राफिक्स का स्मूथ रखना है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर देना है, यहाँ पे जो भी है आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक्टिवेशन होल्ड ऑन यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग देखो यहाँ पे, तो कि जैसे कि मतलब यहाँ पे ऐड वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आप लोग देखो यहाँ पे अप्लाइड करके आ गया है। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं, ना ही कि अगर आप लोग यहाँ से अप्लाई करते हो तो आपका जो गेम का सेटिंग है ना वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको गेम के अंदर जाकर सारा कुछ सेटिंग करना होगा, चाहे वो सेंसिटिविटी का हो या फिर DPI टूल का हो। जैसे कि सेंसिटिविटी की भी बात करूँ तो कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बार बार आपको ट्राई करते रहना है। कोई कभी कभी क्या होता है कि इस एप्लीकेशन में आपको सेंसिटिविटी का जो सेटिंग्स होता है वो टूल होता है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्लिक टू नेक्स्ट गेट योर डिवाइस इन्फो, मतलब यहाँ पे बोल रहा है तो गेट डिवाइस इन्फो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐड आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा जो मॉडल है, मेरे फ़ोन का ये मॉडल यहाँ पे आया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी है। उसके बाद गेट सेंसिटिविटी पे अगर बात करते हैं, क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस ऐड को यहाँ पे कट कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी आप लोग देखो, सबसे पहले आपका जनरल होना चाहिए 40, उसके बाद रेड नॉट यहाँ पे 45, 2x स्कोप की सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो। मतलब आपका सेंसिटिविटी का पूरा सेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाता है। आप लोग बहुत ही आसानी से इसे सेट करके अपने गेम का लुत्फ उठा सकते हो, मतलब मज़ा ले सकते हो। यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद 3 डॉट पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, अबाउट का। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी सी है, रेट दर्ज सकते हो, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं बाहर आ जाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप लोग इस एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबाओ ताकि को पास नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना हमेशा मिलती रहे। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।